विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको यह कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। Inform the country that in less than 100 hours we eliminated the JM leadership in the valley which was being handled by JM from Pakistan. The complete attack on the convoy was masterminded by Pakistan and the ISI and the JM from across the border.